भारत माता की, भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, मंत्रालय तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की। मंच पर उपस्थित आरपीआई के अध्यक्ष श्रीमान रामदास जी आठवले, यहां के प्रत्याशी बाबा साहेब बेगड़े, पूर्व विधायक श्री दिगंबर बेगड़े, रूपलेखताई ढोले, रामनाथ वाहिंगे जी, सूर्यकांत वाघमारे जी, उत्तमराव खोबरागड़े जी, मंच पर उपस्थित आरपीआई और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और इस चिलचिलाती झूप में इतनी बड़ी मात्रा में उपस्थित माताओं, भाइयों और बहनों, 15 तारीख को जो चुनाव है महाराष्ट्र में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए मैं आया हूं। आज जब हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और इस जमीन से पांव जब छुए, तब एक रोमांच शरीर के अंदर आया, एक नई ऊर्जा प्राप्त की, एक नई चेतना प्राप्त की, क्योंकि ये शिव छत्रपति की धरती है। इस धरती पर अनेक बार शिवाजी महाराज ने विचरण किया है। यही धरती है जिस धरती ने शिवाजी महाराज को ताकत दी, यही धरती है जिसने शिवाजी महाराज को स्वराज के लिए प्रेरित किया और बड़े बड़े युद्ध में विजय दिलाने के लिए यहां के ही रणबांकुरे शहीद हुए। इस धरती को मैं सबसे पहले नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये महाराष्ट्र बाबा साहेब आम्बेडकर की भूमि है, तिलक महाराज की भूमि है, समर्थ रामदास की भूमि है, ज्योतिबा फुले की भूमि है। इस महाराष्ट्र से अनेकानेक संत देश भर में भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने में पूरा जीवन खपाए हैं। यही महाराष्ट्र है जब देश घनघोर अंधेरे में छाया हुआ था, तब यहां से स्वराज का विचार महाराष्ट्र से लेकर अफगानिस्तान तक स्वराज का विचार जहां से गया, यही पावन धरती है। इसको मैं बार बार नमन करता हूं। मित्रों, 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र की जनता को तय करना है कि आने वाले 5 साल तक महाराष्ट्र में किसकी सरकार रहेगी, किस पार्टी की रहेगी, किस व्यक्ति की रहेगी, किस गठबंधन की सरकार रहेगी। मगर मैं महाराष्ट्र के चुनाव की बात करने के पहले, सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता का हृदय से धन्यवाद करने आया हूं, क्योंकि गत लोकसभा चुनाव में जो चुनाव हुआ उसमें 48 में से 42 सीट भारतीय जनता पार्टी की युति को देकर महाराष्ट्र ने भाजपा पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है। और महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद के कारण ही आज देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और नरेंद्र भाई पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर साथ में एनडीए के साथी को लेकर देश के विकास के कामों में लगे हैं। करीब करीब 4 महीना हुआ, 4 महीने में हमारे विपक्ष के साथी पूछने लगे हैं कि भाई क्या हुआ, 4 महीने में काम क्या हुआ। मित्रों, वो लोग हिसाब मांग रहे हैं जो 60 साल से सत्ता कब्जाए हुए थे, हमारा 3 महीने का हिसाब मांग रहे हैं, मगर हमें देने में संकोच नहीं। कांग्रेस के साथी, राष्ट्रवादी के साथी अगर पूछना चाहते हैं कि 4 महीने में क्या हुआ, तो मैं भी बताना चाहता हूं कि 4 महीने में क्या हुआ। जब दोबारा आएंगे 2019 में, तब पूरा जनता आपको मांगने की जरूरत नहीं है,
पूरा हिसाब जनता के सामने रखेंगे, मगर जब आप पूछ ही रहे हो और चुनाव के मैदान में पूछ रहे हो तो मेरा फर्ज बनता है कि उसका जवाब देना। मित्रों, सबसे पहला काम हुआ है इस चार महीने में कि देश को बोल सके ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। 10 साल से तो प्रधानमंत्री की आवाज ही सुनाई नहीं दी। आप बताइए मुझे, 10 साल तक प्रधानमंत्री की आवाज सुनाई पड़ती थी क्या? सुनाई पड़ती थी, और अब सुनाई पड़ती है ना। कश्मीर में कुछ होता है प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, कहीं पर भी कुछ होता है प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, विकास की योजना लेकर लोगों के सामने जाते हैं। हमने एक बोलता हुआ प्रधानमंत्री देने का काम किया है जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी। 15 अगस्त को जब नरेंद्र भाई देश को संबोधित करते हैं और सामने बुलेट प्रूफ कांच नहीं होता है, तब देश के युवा की छाती गज गज फूल जाती है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको बुलेट प्रूफ कांच की जरूरत नहीं है। मित्रों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने शपथ ली, तब आसपास के सभी राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण दिया था, और निमंत्रण के बाद हर बार जाते हैं निमंत्रण, मगर इस बार बदल ये था, फर्क ये था कि निमंत्रण को सातों राष्ट्राध्यक्षों ने स्वीकार किया और नरेंद्र भाई की शपथ विधि में उपस्थित रहकर देश का सम्मान किया। ये बदल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आए थे। नरेंद्र भाई ने उनको कहा कि हम सचिव स्तर की वार्ता फिर से एक बार शुरू करें, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये न्योता स्वीकार कर लिया। मगर हर बार जैसे करता है, ऐसे ही पाकिस्तान ने इस बार भी किया। जैसे ही चर्चा की तिथि तय नजदीक आई, उन्होंने कश्मीर के अलगाववादियों से बात करना शुरू कर दी। पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कश्मीर के अलगाववादियों को बुलाकर बात करना शुरू कर दिया। हर बार ऐसा होता था। पहले जब ऐसा होता था तो क्या होता था? ऐसा होते ही सचिवों की मीटिंग होती थी, बाद में मंत्री और सचिवों की मीटिंग होती थी, बाद में मंत्री और प्रधानमंत्री की मीटिंग होती थी, और बाद में कुछ नहीं होता था। इस बार देश में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आधे घंटे में ही प्रधानमंत्री जी ने निर्णय कर लिया, कश्मीर के अलगाववादियों से बात करनी है तो भारत के साथ बात नहीं हो सकती। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको खोकर कोई शांति वार्ता नहीं होगी। पहली बार पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये फर्क पड़ा है। मित्रों, पहले भी सरहद पर गोलियां चलती थी और आज भी चलती है, पहले भी गोलियां चलती थी और आज भी चलती है, मगर दोनों में एक अंतर है। पहले गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की ओर से होती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की ओर से होता था, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान करता है मगर गोलीबारी की समाप्ति भारत की फौज करती है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। जिनको दिखाई नहीं पड़ता उनको मालूम नहीं पड़ता है कि सरहद की सुरक्षा के मामले में क्या परिवर्तन आया है, विदेश नीति के मामले में क्या परिवर्तन आया है, देश का सम्मान कैसे दुनिया में बढ़ा है। मित्रों, जब हम एनडीए की शासन था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद में यूपीए की सरकार आई, तब हम देश का विकास दर 8.4 ऊपर सौंप कर गए थे 8.4%, और उसके बाद में 10 साल यूपीए का शासन हुआ, जब अपनी बारी आई इस बार तो 4.2% सौंप कर गए। इतना आधे से ज्यादा कम करने का काम एक कांग्रेस के लोगों ने किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार ने
देश को विकास दर को आधा कर दिया था। मोदी सरकार ने 3 महीने में 4.2% विकास दर को 5.7% पहुंचाने का काम किया है। देश में नया इन्वेस्टमेंट आया है, शेयर बाजार आगे बढ़ने लगा है, युवाओं को रोजगारी मिलने की शुरुआत हुई है। मित्रों, जिनको फर्क नहीं दिखाई पड़ता उनको मैं फर्क दिखाना चाहता हूं। 50 साल से इस देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। राष्ट्रीयकृत बैंकें जब बनी तब कहा गया था कि बैंकें अब गरीबों के लिए खोल दी गई, मगर 50 साल के बाद भी इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का गरीब 50% लोगों के बैंक में अकाउंट भी नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने जनधन योजना की शुरुआत की और एक ही महीने में 5 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुलाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और साथ में 1 लाख रुपए का अकस्मात बीमा भी दिया है। एक जमाना था जब बैंक के अधिकारी बैग लेकर उद्योगपति के घर पर अकाउंट खुलाने के लिए जाते थे। एक जमाना आ गया कि गरीब के घर पर बैंक के अधिकारी जाने लगे। मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों को कहना चाहता हूं कि ये परिवर्तन आया है। पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या विशेषकर दलित और पिछड़े वर्ग में बहुत ज्यादा है। पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी रोजगारी नहीं है। इसका कारण इस देश में उत्पादन कम हुआ। 100 करोड़ का ये देश, इसका मार्केट, हमारी जरूरत की चीजें विदेश से आती है। इस पर 10 साल तक आपकी नजर नहीं गई। प्रधानमंत्री ने 3 महीने में मेक इन इंडिया योजना बनाई और दुनिया भर के लोगों को कहा भारत में माल बेचना है तो भारत में माल बनाना पड़ेगा। आप भारत में माल बनाएंगे तो मेरे युवा को रोजगारी मिलेगी। ये काम नरेंद्र भाई ने किया है। मित्रों, महंगाई भी धीरे धीरे कम हो गई। पहली बार 10 साल में पेट्रोल के दाम 7 रुपया कम हुए। डीजल के दाम में भी कटौती शुरू हुई है। खाने पीने की चीजों में भी अक्टूबर माह में काफी नीचे आने की संभावना है। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहले तो कई क्षेत्रों में काम हुआ है। पहले प्रधानमंत्री देश के यूं हाथ धरकर देखते रहते थे कि अमेरिका क्या बोलता है, वर्ल्ड बैंक क्या बोलती है, IMF क्या बोलता है। और आज जमाना ये आ गया है कि अमेरिका का विदेश मंत्री यहां आकर कहता है कि सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए कि इससे हमारा सम्मान बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? ये नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं बढ़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं बढ़ा है, देश के 125 करोड़ नागरिकों का दुनिया में सम्मान बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अभी नरेंद्र भाई अमेरिका गए थे, उसके पहले चीन गए, चीन के राष्ट्रपति यहां आए, उसके पहले जापान गए, पहले भी दौरे होते थे, मगर दौरों को कोई देखने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था। आज जब नरेंद्र भाई विदेश जाते हैं तो पूरी दुनिया की नजर नरेंद्र भाई क्या बोलते हैं उस पर है। आप लोगों ने नरेंद्र भाई का अमेरिका का भाषण सुना था? जरा हाथ खड़े करिए जिसने सुना है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने सुना है। आपको आनंद नहीं होता कि देश का प्रधानमंत्री मेडिसन स्क्वायर और UN की असेंबली में जाकर अपनी भाषा में दुनिया को संबोधित करता है और अपनी भाषा का गौरव दुनिया के सामने प्रस्तापित करता है? इतनी हिम्मत और किसी में नहीं है। राष्ट्रवादी और कांग्रेस समझ ले हमने क्या किया है। 3 महीने में हमने बहुत कुछ किया है, मगर 10 साल में आपने क्या किया? 10 साल में आपने 2G का घोटाला किया। 10 साल में आपने हेलीकॉप्टर की खरीदी का घोटाला किया। 10 साल में आपने टैंक परचेज का घोटाला किया।
दस साल में आपने आदर्श सोसाइटी का घोटाला किया, दस साल में आपने सीडब्ल्यूजी का घोटाला किया, दस साल में आपने कोयला खा जाने का काम किया, दस साल में आपने इसरो में घोटाला किया, दस साल में एयरपोर्ट की नूतन एयरपोर्ट बनाने में घोटाला किया, प्लेन खरीदने में घोटाला किया, महंगाई को बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, सरहदों की सुरक्षा को बिल्कुल लाचार कर दिया, महिलाओं की सुरक्षा को लाचार कर दिया, दस साल में आपने ये काम किया है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी हमसे हिसाब न मांगे, हिसाब देने की बारी आपकी है, चुनाव आपका है, 15 साल तक यहां पर राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार रही। ये महाराष्ट्र एक जमाने में पूरा देश का नेतृत्व करता था, देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आता था, देश में सबसे ज्यादा इरिगेशन महाराष्ट्र में था, देश में सबसे ज्यादा किसानों की आय महाराष्ट्र में थी, देश में सबसे अच्छी कोऑपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र में थी, देश में सबसे अच्छे सुगर कारखाने कहीं पर थे तो महाराष्ट्र में था। ये 15 साल में आपने महाराष्ट्र का क्या हाल कर दिया, सुगर कारखाने बंद पड़े हैं, कोऑपरेटिव बैंक बंद पड़ी है, इरिगेशन के अंदर घोटाले कर रख दिए, किसान आत्महत्या करना आबादा हो गया, विकास में काफी पिछड़ गए हैं, बेरोजगारी की कोई इंतहा नहीं रही। मित्रों, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि हर साल 3500 किसान आत्महत्या करता है, आप बताइए किसकी जिम्मेदारी है इसकी, राष्ट्रवादी एक और कांग्रेस की है या नहीं है? आप बताइए, महाराष्ट्र में बेरोजगारी हुई है, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की जिम्मेदारी है या नहीं है? आप बताइए, इरिगेशन घोटाले में 80,000 करोड़ रुपया खा गए और महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करने पर आमादा हो गया, राष्ट्रवादी की जिम्मेदारी है या नहीं है? आदर्श घोटाले के लिए राष्ट्रवादी की जिम्मेदारी है या नहीं है? 100 से अधिक घोटाले किए, 11,88,000 करोड़ रुपए का गबन किया। मित्रों, 2 लाख करोड़ का बजट है महाराष्ट्र का, 11,88,000 करोड़ का मतलब होता है 5 साल तक पूरा महाराष्ट्र चले, इतने पैसे राष्ट्रवादी और कांग्रेस वाले खा गए और अब तक नकार नहीं आई उनको। 11,88,000 करोड़, इस 11,88,000 करोड़ में से पूरे महाराष्ट्र के रोड, रास्ते, गटर, पूरे महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था सब होता है, इतने रुपए खा गए। 5 बार मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े पूछिए जरा, मत लेने आए तो पूछे महाराज सिंघंटा कि 5 बार मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े, 5 बार उप मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े, जवाब अपने आप मिल जाएगा। मित्रों, पृथ्वीराज चौहान अभी एडवर्टाइज में एक कागज पर साइन करते हैं, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज जी साइन अब नहीं करनी थी, 5 साल तक फाइलों पर साइन कर विकास करना था, वो तो क्या किया नहीं, अब एडवर्टाइजमेंट कर क्या करोगे जब जाने का समय आ गया। मित्रों, मैं आज इस धरती पर बैठा हूं, आज इस धरती पर बड़ी दर्दनाक वाक्य आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस के नेताओं का घमंड इतना सर पर चढ़ गया है कि यहां के किसान पानी को लेकर आंदोलन कर रहे थे और राष्ट्रवादी और कांग्रेस के इशारे पर पुलिस ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसानों पर गोलीबारी की थी और हमारे किसान भाइयों की हत्या हुई थी। मुझे मालूम है इसकी तपास ठीक से नहीं हुई है, मगर आप लोग निश्चिंत रहिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी युति की सरकार आने वाली है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी इसकी जांच फिर से होगी और कोई भी दोषी होगा उसको सजा कराने का काम हम करेंगे। मित्रों, हमें शरद राव अभी कह रहे थे कि शिवाजी महाराज का सम्मान करना चाहिए, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपकी 15 साल से सरकार है,
2008 से शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने की बात की थी। याद है आपको या भूल गए हैं? याद है 2008 में कहा था इन्होंने, आज तक एक पत्थर नहीं रखा शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने के लिए। आपको शिवाजी महाराज का नाम देने का कोई अधिकार नहीं है, आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। 2008 से आज तक राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी ने शिवाजी महाराज के स्मारक के लिए ना बजट में एक पैसा दिया, ना एक पैसा खर्च किया, ना पत्थर रखा है। और आज जब चुनाव आया है तो शिवाजी महाराज की बात करते हैं। मित्रों, आसपास के कई राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां गांवों में 24 घंटा बिजली पहुंच गई है। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में 24 घंटा बिजली मिलती है क्या? मिलती है? अगर चाहिए तो भाजपा की सरकार लानी पड़ेगी, एक करप्ट सरकार को उखाड़ कर फेंक देना पड़ेगा। मित्रों, आसपास के कई राज्य ऐसे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, जहां फोन करते हैं तो 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस गांव में पहुंच जाती है। 10 मिनट के अंदर आपके यहां पहुंचती है क्या? क्यों नहीं पहुंचती भाई? क्योंकि एम्बुलेंस के पैसे, विकास के पैसे राष्ट्रवादी और कांग्रेस के नेताओं के घर पे पहुंच गए। आप एक बार राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी के सामने महाराष्ट्र की जनता डिमांड करें कि आपके नेताओं की सिर्फ संपत्ति डिक्लेयर कर दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जनता अपने आप समझ जाएगी कि पैसा कहां गया है। मित्रों, अगर महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना है, महाराष्ट्र को पहले की तरह गौरवशाली बनाना है, महाराष्ट्र को देश का एक नंबर का राज्य बनाना है, तो ये सरकार को बदलना पड़ेगा। नरेंद्र भाई महाराष्ट्र के विकास के लिए कटिबद्ध है। देश की सरकार चाहती है महाराष्ट्र का विकास हो, क्योंकि देश का विकास तभी हो सकता है जब महाराष्ट्र का विकास हो। और जब नरेंद्र भाई चाहते हैं, देश की सरकार चाहती है, तो यहां पर सरकार ऐसी चाहिए जो उनको साथ दे। नरेंद्र भाई के विकास के कार्यक्रम होते हैं, कहीं रोड बनाने का, कहीं मेट्रो का, कहीं बंदर के कर्मचारियों की भलाई का कार्यक्रम, और मुख्यमंत्री कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। आप बताइए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना? वो कहते हैं मेरी हुटिंग होती है। अरे पृथ्वीराज भाई, आपने जिस तरह से शासन किया है, हुटिंग के अलावे कुछ और हो ही नहीं सकता। 10 साल 15 साल तक इतना भ्रष्टाचारी शासन करने के बाद आपके भाषण में ताली बजाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करे क्या? ये तो महाराष्ट्र की जनता ने ताली बजानी पड़ेगी। मित्रों, कोई भारतीय जनता पार्टी ताली नहीं बजवा सकती आपके लिए। महाराष्ट्र को चाहिए कि मोदी जी के साथ कंधे से कंधा खड़ा कर विकास को महाराष्ट्र के आगे ले जाए, ऐसा मुख्यमंत्री बनाए। दो टर्म से बाबा साहब यहां की जनता की सेवा करें, एक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया है। भाई रामदास आठवले की पार्टी भी इनके साथ ठीक से खड़ी, मजबूत होकर खड़ी है, और इस चुनाव में आप सबने इनको विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम तीसरी बार करना है। आप बताइए, आप करेंगे ना? इनको जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे? मित्रों, मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाकर इनको जिताना पड़ेगा। मेरे साथ जो लोग सहमत है, वो दोनों हाथ खड़ा कर मुट्ठी बांध कर भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।